नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम रामानंद का जो जन्म परिचय या वस्तुनिष्ठ परिचय देखने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म भी अन्य जो प्राचीन कवियों की तरह विवादास्पद रहा है, ठीक है? इनके जन्म स्थल के बारे में भी काफ़ी वाद विवाद है। कोई कहता है मेलकोट में हुआ है, कोई कहता है मैसूर में हुआ है, और प्रयाग यह एक ऐसा स्थान है जहाँ सभी आलोचकों का जो सर्वमत है प्रयाग की तरफ, ठीक है? डॉक्टर फरकुहर के अनुसार 1400 से 1470 के बीच दक्षिणात्य मेलकोट या मैसूर, ये दो नाम दिए हैं, और इनके बीच जो 1400 से 1470 के बीच इनका जो समय रहा है। रामानंद संप्रदाय के अनुसार 1229 में इनका जन्म हुआ है ऐसा कहा जाता है, और रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 15वीं सदी के पूर्वार्ध तथा 16वीं सदी के प्रारंभ के मध्यकाल में इनका समय रहा है ऐसा कहा जाता है। मृत्यु इनकी 1410 ईस्वी अगस्त संहिता के अनुसार। अब यहाँ पर आप लोगों के मन में ये प्रश्न उपस्थित होता होगा कि 1400 में इनका जन्म या 1229 में इनका जन्म, तो 1410 में इनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? काफ़ी इसमें अंतर है, तो आपको कन्फ्यूजन में बिल्कुल नहीं पड़ना है। यहाँ अगस्त संहिता के अनुसार मैंने मृत्यु दी है, और अलग अलग आलोचकों के अनुसार उनका समय अलग अलग रहा है, ठीक है? तो ये बात आपके दिमाग में स्पष्ट होनी चाहिए है कि इनके जन्म और मृत्यु के बारे में काफ़ी वाद विवाद है। इसमें हमें नहीं पढ़ना है, सिर्फ उनका काल क्या है, किस आलोचक के अनुसार कौन सा काल है, और सर्वमत क्या है, इस बारे में आपको ध्यान रखना है। तो सर्वमत जो जन्म स्थान है वो प्रयाग है, और रामचंद्र शुक्ल का जो समय है सभी उसे ही ग्रहित धरते हैं। तो 15वीं सदी के पूर्वार्ध तथा 16वीं सदी के प्रारंभ के मध्यकाल में इनका समय रहा है, ठीक है? इनका जो काल रहा है भक्ति काल, और इनके 12 शिष्य की परंपरा रही है। जैसे मैंने कबीर एवं रैदास के परिचय के समय ये कहा था कि रामानंद के 12 शिष्यों की परंपरा रही है, उनमें से सभी के नाम मैं किसी एक वीडियो में बता दूंगी ऐसा कहा था। आज हम रामानंद के 12 शिष्यों के नाम भी देखेंगे। उसमें से पहले है अनंतानंद, कबीर, सुरसुरानंद, पद्मावती, नरहरि, पीपा, भावानंद, रैदास, घना, सेन, सुरसुरानंद की पत्नी, यानी दोनों भी पति पत्नी जो रामानंद के शिष्य रह चुके हैं। सुरसुरानंद की पत्नी का नाम सुरसुरी, ठीक है, और तुलसी। आप लोगों को रामानंद के प्रमुख जो शिष्य हैं उनके नाम याद रखना है, जिसमें तुलसी है, रैदास है, कबीर है, ठीक है? ये नाम आपको याद रखने होंगे। अब इनके गुरु का नाम, यानी रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद था। इनका जो वाद था विशिष्टाद्वैतवाद के ये प्रवर्तक रह चुके हैं, श्री संप्रदाय इनका रहा है। इनकी रचनाएं कुल 17 ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है? पहली जो रचना है श्री वैष्णव मताब्ज भास्कर, जिसका संपादन पंडित राम टहलदास ने किया था। सुरसुरानंद द्वारा किए गए 9 प्रश्न, यानी अपने शिष्य द्वारा किए गए 9 प्रश्न के उत्तर एवं विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन इस ग्रंथ में हमें मिलता है, जिसमें उन्होंने तत्व के बारे में प्रश्न किए थे, वैष्णव जाप मंत्र के बारे में प्रश्न किए थे, और वैष्णव के जो मतभेद हैं या भेदों के बारे में भी उन्होंने प्रश्न किए थे। यह जो प्रमुख प्रश्न है उन सभी प्रश्नों के उत्तर उन्होंने इस ग्रंथ में दिए हैं। दूसरी जो रचना है उनकी श्री रामार्चन पद्धति, जो संपादन पंडित राम टहलदास ने भी किया था। गीता भाष्य है, उपनिषद भाष्य है, आनंद भाष्य है, सिद्धांत पटल है, राम रक्षा स्त्रोत है, जो जिसका विषय विभिन्न बीमारियों को दूर करने के मंत्र इसमें दिए हैं, और हनुमान सीता एवं राम की स्तुति इस ग्रंथ में की गई है। ये रचना भगवदाचार्य ने 1945 ईस्वी में श्री रामानंद साहित्य मंदिर अट्टा यानी अलवर से प्रकाशित की थी। योग चिंतामणि, रामा राधनमम, वेदांत विचार, रामानानंदादेश, ज्ञान तिलक, ज्ञान लीला, आत्मबोध, राम मंत्र, योग ग्रंथ, अध्यात्म रामायण, कुछ फुटकल पद, इसी तरह इनकी 17 रचना मिलती है। अब इनके बारे में जो विशेष बातें हैं कि उत्तर भारत में भक्ति के प्रचार प्रसार का कार्य इन्होंने किया है, ये प्रमुख रहे हैं। श्री संप्रदाय को लोकव्यापी इन्होंने ही बनाया है, यानी ये श्री संप्रदाय के
प्रवर्तक रह चुके हैं। इनके संप्रदाय का केंद्र मठ काशी के पंचगंगा घाट पर था, यानी केंद्रीय मठ। हिंदी के अधिकांश मुस्लिम संत कवि रामानंद को ही अपना मूल प्रेरणा स्रोत मानते हैं, यानी हिंदी के ये जो हिंदू होकर भी जो बहुत सारे मुस्लिम कवि या संत भी रामानंद को अपना जो प्रमुख प्रेरणा का स्रोत मानते थे, ये बहुत बड़ी उपलब्धि इनकी रह चुकी है। ठीक है, इन्होंने भक्ति का द्वार शूद्रों एवं स्त्रियों के लिए दो यानी दोनों के लिए खोल दिया था, भक्ति का द्वार स्त्रियां एवं शूद्रों के लिए। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मी कहा है, यानी ये उपाधि दी है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को। रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद तक्की और सिकंदर लोदी को समकालीन माना है, यानी इनके समकालीन कौन थे, तो सिकंदर लोदी तक्की जो इनके समकालीन थे ऐसा रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, अब इनकी जो प्रसिद्ध पंक्ति है कि आरती कीजे हनुमान लला की, दृष्ट दलन रघुनाथ कला की, आज भी उनकी ये लिखी हुई पंक्तियाँ आज भी गांव गांव में और मंदिरों में ये गाई जाती है, बोली जाती है। ठीक है, इसी से हमें रामानंद के व्यक्तित्व के बारे में या उनके कृतित्व की जो झलक है हमें मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं रामानंद का ये छोटा सा परिचय। अगले वीडियो में हम एक नए किसी कवि का परिचय लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।